मध्य प्रदेश से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के बता दें 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के चलते तमाम डैम खोले जा रहे हैं। जैसे भोपाल की बात करें तो कलियासोत डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं नर्मदापुरम में तवा बांध के गेट खुल सकते हैं और खोल दिए गए हैं। वहीं 5-5 फीट तक खुल सकते हैं तवा डैम के गेट। और बारिश को लेकर 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। वहीं बात करें तो यह भी जानकारी सामने आई है कि 5 अगस्त तक प्रदेश को तरबतर करेगा सिस्टम। वहीं मध्य प्रदेश में सीजन की एवरेज 19.7 इंच बारिश हो चुकी है और 5 जुलाई और जून के कोटे से ज्यादा पानी गिर चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको मध्य प्रदेश के मौसम से संबंधित, जहां बारिश को लेकर 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। 5 अगस्त तक प्रदेश को तर बतर करेगा सिस्टम और मध्य प्रदेश में सीजन की एवरेज यानी 19.7 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं जून और जुलाई में कोटे से ज्यादा पानी गिर चुका है और मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मौसम का, जहां एक और अपडेट सामने आया है। भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते कलियासोत डैम के 2 गेट भी खोल दिए गए हैं और तमाम मध्य प्रदेश के डैम खोले जा रहे हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति हो गई है। इसको देखते हुए नर्मदापुरम में तवा बांध के भी गेट खुल सकते हैं और 5-5 फीट तक खुल सकते हैं तवा डैम के गेट, जो कि नर्मदापुरम में स्थित है। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश हो रही है और जल भराव की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वही बारिश को लेकर 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और 5 अगस्त तक प्रदेश को सिस्टम पर बतर करेगा। बता दें मध्य प्रदेश में सीजन की एवरेज 19.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि 55% मानी जाती है और जून और जुलाई को कोटे से ज्यादा